जा रही हो रिक्शे पर छोड़ने? अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब अच्छे रहे, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो गौर को छोड़कर मैं आ गई, आकर झाड़ू पोछा अपना हो गया मेरा, और बचे में से बर्तन और पानी रखा है नहाने के लिए, गर्म हो रहा है पानी। तो शाइन भी जाएगी नहाने, फिर उसकी भी नमाज़ होगी, फिर उसको भी जाना है ट्यूशन। गौर गई अपनी फ्रेंड के यहाँ कुछ बुक देने के लिए, और आयास हो गया है कुछ दुकान से लाने। तो अभी ये सब काम होगा, नहाना होगा, उसके बाद में बाकी के काम होंगे। अभी तक मेरे बर्तन वगैरह भी बचे हैं, पहले सोचो नहा लूँ क्योंकि बहुत हाथ दुख रहा है मेरा। आप देखें हम लोग जा रहे हैं डेसर, और मेरा वो दुख रहा ना कंधे में, तो उसके हम लोग लेने जा रहे हैं मलम। वहाँ पर कुछ अच्छा मिलता है मलम, एक बार लाए थे पहले, अब याद आ रही है। तो ये है भाजी, तो हमने लाया है पिज्जा। गौर आया जाके खाएंगे, मैं और शाइन खा रहे हैं। मैं भी खा रही हूँ। इसके लिए मैंने काट लिया कांदा, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन, मसूर की दाल बना रही हूँ। तो पहले मैंने चढ़ा दी है इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तो आज कुछ स्पेशल नहीं है, कल तो बना लिए थे चिक मटन, आज हम खाएंगे दाल, खाएंगे अचार और पापड़। तो मेरा पूरा हो जाएगा, तो ये जो मैंने कट करके रखा है वो उसमें मैं शिफ्ट कर दूँगी। तो तेल हो गया गर्म, ये ले लेते हैं। हाँ बोलो, ऊपर खेलने जा रही है, जाओ खेलो। वो लादी टूटी, इधर पे ध्यान दे। मैंने इसमें डाल दिया हल्दी और ये दाल, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, काफ़ी बार में इसके लिए शॉर्टकट बता रही हूँ। पर मैं खा रही थी सेवे, इसे मैं डाल देती हूँ नमक। मैं दाल डाल देती हूँ, ये नमक तीन खाने से बनाया था। मैंने दाल में पानी इस अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स, अभी पकेगी गलेगी उसके बाद में इसको बघारेंगे, ठीक है। ये मुझे हमारे खाना खाने, दाल मेरी हो चुकी है, देखिए। तो मैं कर रही हूँ जैसे बिछाई गोहर, प्लेटें ले लो, तीन ले लो। हाँ भाई, तो मेरा पापा भी गेस्ट करिए, हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, आप लोग भी आइए खाना खाने। तो कल का जो ब्लॉग था, कल का और ब्लॉग और आज का ब्लॉग कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ना कल खाना हुआ, खाना होने के बाद में ना मतलब पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही थकावट लग रही थी, तो मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया। तो सोचा कल और आज का ब्लॉग मिक्स कर लेंगे। तो आज है मंगलवार,
ट्यूजडे तो उस समय मैं गई थी मैं, और अभी मैं आई हूँ, बज रहे हैं 5:30। थोड़ा मेरी जो फ्रेंड है उनसे बात कर रही थी, और 5:15 बजे तक तो हो गया था उस समय। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, जैसे माह रमज़ान से रिलेटिव बातें जो होती है। हमारे जो नबी थे, जब उनको वो इंतज़ार किया करते थे कि रमज़ान कब आएगा, तो शाबान में ही वो रजब शाबान रमज़ान शाबान में, हाँ शाबान से ही वो रोज़ा रखने की, वैसे तो वो बोलते रोज़ा बहुत ज़्यादा रखा करते थे, तो शाबान से ही वो रोज़ा रखने की तैयारी करते थे। तो सहाबा उनसे पूछते थे ना कि नबी आप इतना पहले से क्यों रमज़ान, मतलब रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं, तो आप पहले से क्यों रख रहे हैं रोज़ा, से शाबान से रोज़ा रखना चालू कर देते थे। तो बोले रमज़ान की तैयारी कर रहा हूँ मैं, रमज़ान की तैयारी कर रहा हूँ मैं रोज़े रखने की। तो वो पहले से, मतलब हम तैयारी करते हैं ना, तो बोले मैं तैयारी करता था कि पहले से ही मैं रोज़े रखने की तैयारी कर लूँ। तो वो शाबान से ही रमज़ान के रोज़े रखने चालू कर देते थे। और जब रमज़ान आता था तो उनके चेहरे पे ना, मतलब एक बोलते ना वो जैसे मायूसी आ जाती, थोड़ा मतलब डिप्रेस हो जाते थे थोड़ा वो। तो सहाबा उनसे पूछते थे आप रमज़ान की तैयारी के लिए शाबान से रोज़े रखना चालू कर देते थे नबी, तो आप अभी रमज़ान का चांद देखते ही ऐसा, मतलब क्या हुआ आपको, क्या हो गया ऐसे? तो बोले मैं अपनी उम्मत के लिए सोचता हूँ कि मेरी जो उम्मत है वो क्या कर रही है, रोज़े नहीं रख पाती है ठीक से, उनके साथ क्या होगा वो सोच के मुझे दुख होता है, इसलिए मेरा मैं मतलब इतना उनको टेंशन हो जाता था। तो ये बात उन्होंने तो सही बोली। देखिए भोजन क्या करते हैं, मतलब जैसे रमज़ान आता है ना तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे नबी की सुन्नत है खुश होना माह रमज़ान आते ही। तो जब खुश होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो अरे मतलब रमज़ान आ रहा है, मतलब एक अलग ही, मतलब एक नियामत वाली, एक रहमत बरकत वाला महीना हमको मिलने वाला, ये सोचकर। और भोजन मायूस हो जाते, अरे क्या यार रमज़ान आ रहा है, एक महीना रोज़ा रखना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। और भोजन के ना, मुझसे तो मैंने ये तक सुनी कि भाई बीमार हो जाते, मतलब बीमार नहीं है लेकिन लोगों के सामने ऐसा जाहिर कर देते कि भाई हमको तबीयत ख़राब है, रोज़ा नहीं रख पाएंगे हम लोग, कैसा होगा, तबीयत ख़राब है ना, बुखार था ना, इसके लिए रोज़ा नहीं रखे, अरे यहाँ जाना था ना वहाँ जाना, मतलब बहाने लाखों करोड़ों बहाने आ जाते हैं रोज़ा ना रखने के। एक बहाना भी नहीं रहता कि हम रोज़ा रखें, अरे कितने दिन तुम रोज़ा, लेडीज़ जेंट्स लोग तो देखो पूरे 30 रख लेते हैं, अगर रखना चाहे लेकिन रख लेते हैं, वैसे तो मैं चाहे बोल रही रख लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेडीज़ भी रख लेती है। और लेडीज़ लोगों को तो देखो थोड़ा अल्लाह ने उनके लिए बारे में ज़्यादा सोचा है, क्या ज़्यादा सोचा है, वो ये सोचा है कि उनको जो पीरियड्स होते हैं तो उनमें वो थोड़ा आराम कर सकती हैं, 6-7 दिन जितने भी दिन आते पीरियड, तो अल्लाह पाक ने ये भी सोचा उनको रेस्ट मिल जाता है थोड़ा, कि वो थोड़ा खा पी ले उसके अंदर, बाद में फिर रोज़ा अपना कंटिन्यू करें जब पाक हो जाते हैं। तो उसमें भी कितने जो लोग ना, मैं बहुत जन की मुझसे सुनी, कसम से मैं बहुत जन की मुझसे सुनी, जहाँ मैं रहती थी पहले मेरी अम्मी के उधर, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले, तो हमारे पड़ोस में ही काफ़ी लोग थे, एक औरत के तो मतलब 3 लड़के थे, तीनों लड़के रोज़ा रखते थे, पर वो माँ नहीं रोज़ा रखती थी, बोलती थी कि नहीं मुझसे नहीं होता रोज़ा रखने, बाबा मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं चलता। अरे क्यों नहीं चलता, एक बार रखे तो देखो किसके लिए रख रहे, वो तो देखो अल्लाह के लिए, और अल्लाह क्यों रोज़े रखने बोल रहे, क्योंकि आखिरत में वो हमारे लिए ही काम आने वाले, ऐसा अल्लाह पाक कोई अपने पास नहीं रखने वाले उस चीज़ों को, रोज़ों को, वो हमारे लिए ही काम आएंगे। और बोलते हैं ना पूरे सालों साल बहुत जन होते हैं जो मतलब नहीं पढ़ते दरुज़ शरीफ, तो हमारे नबी बोलते जब पूछा जाएगा ऐसे कि दरुज़ शरीफ तुम नहीं पढ़े नबी के लिए, तो उनका क्या होगा आखिरत में, जो जिन्होंने कभी दरुज़ शरीफ पढ़ी ही नहीं अपने नबी के लिए। एक वाक़या बताया बाजी ने आज कि एक टाइम, मतलब सहाबा भी थे नबी के साथ में, तो मस्जिद में जाने की 3 स्टेप था, सीढ़ी का सीढ़ी थी, 3 स्टेप। तो पहले स्टेप पे जब नबी ने कदम रखे ना तो आमीन बोले, तो सहाबा सब देखने लगे आमीन बोले, सेकंड सीढ़ी पे कदम रखे पहली पे तो फिर आमीन बोले, और दूसरी पे, और तीसरी पे रखे तभी भी उन्होंने आमीन बोले। तो सहाबा पूछने लगे कि नबी आपने मतलब पहली पे भी आमीन बोले, दूसरी पे भी आमीन बोले, तीसरी पे भी आमीन बोले, मतलब ऐसा क्या, मतलब इसी मतलब आमीन बोलने का मतलब, ये सीढ़ी चढ़ते हुए ऐसा कुछ समझ नहीं आया लोगों को। तो बोले जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा ना तो जिब्रील अलैहि सलाम आए थे, और वो बोलने लगे कि नबी आपकी उम्मत रोज़ा नहीं रख रही है, अल्लाह के लिए रोज़ा नहीं रख रही है वो, तो उनका क्या किया जाए, उनको बहुत बुरी सज़ा मिलेगी आखिरत में, कब्र में तो मिलेगी, जब कब्र से निकाले जाएंगे तब भी मिलने वाली है, तो ऐसे लोगों का क्या, जब उनको कुछ कोई बख्शेंगे ही नहीं, उनको कोई चीज़ से कोई बचा ही नहीं सकता उनको,
तो हमारे नबी ने आमीन बोले वो टाइम पे कि जाहिर है ये बात तो होनी है। सेकंड टाइम पे जब नबी ने पहरी पर पैर रखे सेकंड सीढ़ी पे तब आमीन बोले तो ले तब मैंने आमीन इसलिए बोला क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बोले जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता, अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता है, फिर वो रोज़ा रख ले, ज़कात दे दे, फितरा दे दे, हज कर ले, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका क्या होगा। तो उस पर भी अपने नबी ने आमीन बोले कि जाहिर है क्या होगा उसका। और तीसरी बार जब तीसरी सीढ़ी पर जब हमारे नबी ने कदम रखे तब आमीन उन्होंने कहा था, तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत, तीसरा ये था कि हमारे नबी के ऊपर दरुद शरीफ नहीं पढ़ेंगे जो लोग, मैंने जैसा अभी बताया आपको, दरुद शरीफ नहीं पढ़ेंगे हमारे नबी पे, कभी ज़िंदगी में उन्होंने दरुद शरीफ पढ़ी ही नहीं, तो उनका क्या होगा। तभी भी हमारे नबी ने आमीन कहा क्योंकि ज़ाहिर उनका कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब अभी से ही, मतलब बाजी ने बोला अपने आखिरत के बारे में अभी से सोच लो, वक्त का मौत का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हम चले जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि बूढ़े होकर ही मरेंगे, ये इतनी उम्र हो जाएगी तो ही मरने वाले, अभी आराम से रहो, नहीं, कभी भी हमारा इंतकाल हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में कब होगा। इसलिए तो ये नहीं बताएगा था ना अपने नबी को, हर चीज़ नबी को हमारे अल्लाह पाक ने सब बता दिए थे, लेकिन ये चीज़ के बारे में नहीं बताए थे कि कब किसकी मौत आने वाली है, ऐसा है। तो इसके लिए ना, और ज़कात फितरा भी उनको दो जो हमारे ज़रूरतमंद है, जैसे कि ज़कात फितरा निकालते हैं बहुत जन, तो पहले देखो हमारे रिश्तेदार में कौन है जिसको हम दे सकते हैं, रिश्तेदार में अगर सब अच्छे हैं तो देखो हमारे पास आस पड़ोस में कौन है, अगर वो भी ठीक है फिर तुम मस्जिद में देखो, मस्जिद में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पर दे दो, अब वहाँ पर भी समझो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अच्छा है तो फिर कोई गरीब को दे दो, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम दे ही सकते हैं, ऐसा है। उसके बाद ये सब चेक करने के बाद ऐसा है, और बहुत सी चीज़ें और भी पता है, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में भी आपको बता दूँगी। और तो बहुत सी बातें बताया बाजी ने, बहुत से किस्से भी, एक दो किस्से और है सुनाए उन्होंने। और माह रमज़ान में तो हम लोग का टाइमिंग हो जाएगा 2:30-3, क्योंकि अभी ये टाइम पर कराएंगे तो इफ्तारी कब बनाएंगे ऐसा हो जाता है ना, इसलिए 2 से 3, ताकि इफ्तारी का टाइम भी हो जाए तो बना सके लेडीज़ लोग, थोड़ा उनको आराम भी मिले। और है ना, मेरा जो मैं आपको बता रही थी ना, मैं वहाँ से गिर गई थी सीढ़ी पे से, अपना सीढ़ी बोरी मोहरी में गिर गई थी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने उठी थी ना जब मैं, तो गिर गई थी मैं, तो मेरे कंधे में बहुत दर्द है अभी भी, यहाँ पर पूरा ना दुख रहा, ये कंधा दुख रहा है ना तो ये हाथ भी दर्द पकड़ रहा है। 2 बार दवाई लाई, उसका जो पट्टी आती ना लगाने की दर्द की वो लगाई, तो भी दर्द जा नहीं रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। फिर ये मलहम लेकर आए जो लगाने से अच्छा होता है बोलते हैं सब, तो देखो इंशाल्लाह मैं लगाने से, मैं तो लगाई हूँ 1-2 बार अभी सुबह ही लेकर आए, तो आप लोग पहले दुआ कीजिए ना कि मेरे हाथ का दर्द अच्छा हो जाए, क्योंकि देखिए ना हाथ का दर्द, हाथ में दर्द रहेगा तो इंसान काम कैसे कर पाएगा। फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैं थोड़ा थोड़ा करके कर ले रही हूँ, मैं शायद पे नहीं डालती पूरा, उस पर डाली तो बेचारी क्या करेगी, है ना, तो पढ़ना है उसको, पढ़ाई करना है, ट्यूशन गई है वो भी, तो पढ़ाई करेगी कि मेरे काम करते बैठेगी, वैसे करती हो काम ऐसा नहीं है, बट क्या है ना पूरा नहीं डाल सकती मैं, तो प्लीज़ दुआ कीजिए कि मेरा जो हाथ का दर्द है वो ठीक हो जाए, क्योंकि बोलते हैं ना सब मिलकर दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक किसकी दुआ पसंद करते हैं और कबूल कर लेते हैं। मैं तो देखो आप लोग के लिए करती हूँ दुआ, बहुत करती हूँ, सबके लिए करती हूँ, पर मेरा ना 8 दिन हो गया मेरे ख्याल से दर्द है, अभी तक जा ही नहीं रहा, वरना दवा से देखो दर्द चले जाते जाने वाले, पर ये दर्द नहीं जा रहा मेरा, तो ऐसा है। अभी बजने आगे 5:45 जाती हूँ मैं चाय बनाती हूँ, और अपना आयाज आएगा घर तो आएगी 6:30 तक, शायन आएगी 7 बजे तक, फिर जाऊँगी बाज़ार, आज कुछ बनाने का, एक्चुअली दर्द हो रहा है रात में मेरा, बनाने का मन नहीं कर रहा फिर भी जल्दी से सच्ची में, फिर भी बना ले रही हूँ खाना, शायन भी थोड़ी हेल्प कर देती है, ऐसा नहीं है कर देती, वो भी हेल्प मेरा, पूरा काम वाम करके गई थी, वो सब बर्तन घसी उसने, झाड़ू पोछा करी, सुबह का नाश्ता बनाए, सब कर रही है बच्ची, मैं भी कर देती, देखो पूरा डाल ले सकती मैं बच्ची पे, ऐसा है। आप लोग सोचें कितना पका रही है, देखो मैं पका रही हूँ, मैं सब जो बातें हैं अच्छी वाली वो बता रही हूँ इस्लामी, एक्चुअली मुझे बताने में भी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी दिल करता है कि मैं आलिमा बन जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि मुझे इतनी बातें ये सब बताने ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब पसंद आता है मुझे सब बताना। चलिए माह रमज़ान अभी हमारे पास आते जा रहा है, एक अलग सी खुशी होती है महसूस सच्ची में, देखो पैसे हो ना हो हमारे लोगों का साथ और
माह रमज़ान की प्यारी मुलाकात, ये बहुत अच्छा लगता है। और माह रमज़ान का कार्ड मिला नहीं मेरे को इस बार, क्या पता कार्ड आया नहीं होगा, नहीं तो मिल जाता हमेशा। तो मेरे ख्याल से जुम्मा को मिलेगा, आयास की छुट्टी भी है स्कूल की, तो वो जाएगा तो लेकर आएगा जुम्मा को, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। वैसे मुझे कार्ड बहुत पसंद आते हैं, मैं पहले ना बहुत जमा करके रखा करती थी माह रमज़ान के कार्ड फिर हम लोगों ने रूम शिफ्ट किए थे, फिर वहाँ पर थे तभी भी जब इतने सारे कार्ड जमा हो गए ना तो उसको ठंडा कर देते जाके हम लोग हाजीरी दरगाह में। तो अभी मेरे पास कार्ड है, 2-3 कार्ड है पहले के, जो रह गए मेरे पास, आ गए वो गए नहीं, वो है। और फिर कैलेंडर है, अब इंशाल्लाह जाएंगे हम लोग, माह रमज़ान के बाद ही जाना होगा क्योंकि माह रमज़ान के बाद में भी बच्चों का पेपर बचा रहेगा 20 तारीख तक, अगले महीने की 20 तारीख तक। तो चांद मुबारक, अभी से नहीं बोलूँगी, चांद दिखेगा मेगा से संडे या फिर मंडे को दिख जाएगा इंशाल्लाह। तो सबका रमज़ान अच्छे से जाए, सब इफ्तारी सहरी अच्छे से बनाए, अच्छे से खाए, सबके घर में खैर बरकत हो, रौनक हो, सब कुछ हो जो वो चाहते हैं, ऐसा है। देखिए ना मेरा तो कैलेंडर ये वाला मैंने लाया था, इसमें बहुत अच्छा अच्छा लिखा है माह रमज़ान का फ़ोटो के। और जितने भी हमारे जो मौलाना है, मौलाना अजरीस सलमान अजरीस साहब, वो तो बेचारे पता नहीं कब छूटेंगे, अल्लाह उनको जल्दी रिहा कर दे वहाँ से, जेल से रमज़ान के पहले ही कर दे ताकि वो रमज़ान अपने फैमिली के साथ मनाए। और बसीत अक्षा के लिए भी दुआ करो, वो हमारा पहला किबला है। और गाज़ा वाले बेचारे, वो फिलिस्तीन गाज़ा वाले, मतलब कितना उन लोग, अल्लाह उन लोग सब जन्नती है, वो लोग पता है इस्तेमा में भी यही बोलते हैं, और वो लोग जन्नती है क्योंकि वो लोग शहीद 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 ही हो रहे हैं। देखो सही बात है, अजान दिया मेरे बच्चे ने, अजान बांग दिया, उनके बारे में सोचे ना बहुत बुरा लगता है, बेचारे कैसे रह रहे, कैसे, हम तो यहाँ पर खा रहे पी रहे भी है, वो लोग को तो वो भी नहीं मिल रहा, कैसे खाना वाना जो अपना टेम्पो से लॉरी से जो आया करता था खाना दूसरे देश से उन लोग के लिए, वो भी बंद कर डाले उन लोगों ने। तो जो दूसरे लोग हैं, जो लोग उनका मुझे याद नहीं आ रहा है, शाइन बताई थी नाम, तो बोले वहाँ से ना ऊपर से वो लोग प्लेन से खाना नीचे डाले भेजे जो लोगों ने, कि भाई तुम गाड़ी स्पॉट करने, इंफ्रारेड स्पॉट जो बोलते हैं ना, वो करने लोगों ने बंद कर दिए, नहीं करे, नहीं देरे करने, आगे बढ़ने नहीं दिए गाड़ी को कि खाना पहुँचे वहाँ पर। तो दूसरे लोग ने दिमाग लड़ाया, भाई चलो हम प्लेन से देंगे, प्लेन को तो रोक नहीं सकते ना आप लोग, ऊपर से हेलीकॉप्टर हो गया, प्लेन हो गया, वहाँ से खाना दिए, पानी दिए, उन लोग की ज़रूरत के सामान, दवाएँ वगैरह, चादर वगैरह सब सब भेजे उन लोगों ने। तो अल्लाह देखो है, बेशक अल्लाह है, इसलिए तो उन लोगों की मदद भी हो गई ना। और देखो ऐसा होता है ना कभी कभी कि अल्लाह पाक जिनसे दीनी इस्लाम का काम लेना चाहते हैं, जिनके वजह से इस्लाम को बचाया जाता है, उन लोगों के साथ में ही ज़्यादा करके देखो ऐसा होता है, तो वो लोग के वजह से देखिए, मतलब बोलते ना कि वो लोग बेचारे शहीद हो रहे हैं, यहाँ पर हम हैं ना, ठीक है हम दुआ तो कर सकते हैं ना, दुआ कर रही है उन लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर भी देखो बहुत सारे मसले, जैसे आप लोगों को तो पता ही क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, तो हमें भी बहुत ज़्यादा बहुत सी बातें और भी बताया है आजकल चल रहा है सिलसिला उसके बारे में, तो क्या बताऊँ। चलिए मैं जाती हूँ, चाय बनाने बज रहे हैं, 6:10 का होने आ रहे हैं, कभी भी लगता है जल्दी आ जाएगा। चलिए मिलती हूँ, चाय बना जाएगी। मैं बना रही हूँ अंडे का सालन, अंडे का सालन मतलब फोड़ कर बनाते हैं ना, वो मैं बताती हूँ, पहले भी मैंने उसकी रेसिपी बनाई है। तो ये मेरा है कांदा, टमाटर, नारियल और मिर्ची, अदरक, लहसुन, कोथमीर नहीं डाली मैंने, और मैं डाल रही हूँ आलू। तो मैंने आलू इस बार ना बड़े बड़े नहीं लिया है, पतले पतले काटे, देखा आलू जितने मोटे रखती हूँ उतने मोटे नहीं है इस बार के, पतले हैं। और मैंने तेल गरम कर लिया है, मैं इसको कर लूँगी पहले फ्राई। मेरे सब फिर में आलू जाते हैं और फ्राई भी हो जाते हैं। एक्चुअली मैं गई थी अम्बावाड़ी, तो ना वहाँ पर भाजी समझ में नहीं आ रहा था, भाजी भाजी का, तो भाजी बनाती तो दाल भी बनानी पड़ती, सब आ रहा था मुझे थोड़ा सी कंटाल, जो कि हर लेडीज़ को कभी ना कभी आता ही है, और क्या मेरा हाथ भी दुख रहा है ना वो हिसाब से। तो मैंने ला लिया अंडा, मैंने चलो अंडा लेकर आ जाऊँ, तो सोचा चलो अंडे का सालन ही बनाओ, लेकिन वैसा अंडे का बनाती है ना खा, तो चाय ही नहीं खाती है, ऐसा बनाती है तो खा लेती है, मतलब खाती, लेकिन इतना उसको पसंद नहीं है। तो मैंने बोला चलो ऐसे बना लेती हूँ, ये जल्दी भी हो जाता है। तो अभी बज रहे हैं 8:15, तो मैं बना लूँगी, हो जाएगा 9 बजे तक, राइस भी चढ़ाना, रोटी नहीं बनाऊँगी, रोटी बनाने में हाथ दुखता है,
दुखता तो है क्योंकि मेरा कंधा दुख रहा है ना। अजान हो रही है तो थोड़ी देर बाद बात करूँगी। अजान करने पे क्या है ना, बात नहीं करनी चाहिए, हमको चुप रहना चाहिए और हम जो भी काम कर रहे हैं उसे बंद कर देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, 2 मिनट के लिए। और क्या, तो मेरा हो रहा है फ्राई आलू। आज मैंने पतला आलू रखा है ना, मतलब पतले पतले, तो जल्दी से फ्राई हो जा रहे हैं वो, बताती हूँ। जल्दी जल्दी से फ्राई हो रहे हैं। ऐसा देखते ना मेरे बच्चे आलू, तो लोग को मन करता है खाने का, लेकिन ये तो फ्राई तो हो जाते लेकिन ऊपर ऊपर रहते हैं, अंदर तक तो अंदर तो थोड़े बहुत कड़क ही रहते हैं, थोड़ा कच्चापन रहता ही है इसके, पूरी तरह थोड़ी ना फ्राई होते हैं। फ्रेंच फ्राई खाते हैं वो तो हम पतला पतला काटते हैं, उस हिसाब से वो फ्राई हो जाता अच्छे से। अब इसको मैं निकाल दूँगी, थोड़ा तेल कम करूँगी, इसमें डालूँगी मैं मसाला। आप लोग सोचते होंगे कि इसके हर चीज़ में तो भाई नारियल होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, इन केस के नारियल नहीं होता, क्या करें, नारियल बिना चीज़ हमको पसंद आती नहीं। हम लोगों को पहले से आदत है कि हम लोग नारियल ही खाते हैं, पता है मेरी अम्मी क्या बनाते थे ना, तो एक आधा नारियल कभी पड़ गया टुकड़ा छोटा से, लेकिन जब से मैं ससुराल में आई हूँ तो यहाँ पर नारियल वाला ही सालन बनता है, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा, तो मैं भी खा लेती हूँ। ऐसा हो जाता है, अब जहाँ बोलते हैं जैसा देश वैसा भेस, तो यहाँ का देश ऐसा है, फैसले में जो भेस वैसे करने पड़े। तो मेरा आलू फ्राई हो गया है, एक्चुअली ऐसे आलू फ्राई करके इसको मसाला बोलते हैं ना, आलू का बना सकते हैं ऐसे करके। इंशाल्लाह इन रमज़ान में एक एक रेसिपी ट्राई करूँगी मैं, सब रेसिपी है मेरे माइंड में, बनाती थी मैं, अभी सब ट्राई करूँगी वापस से। चलिए इसको, अरे आलू गया, चलिए थोड़ा सा तेल कम कर दूँ, इसको ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैंने इसमें डाला है चिकन मसाला भी, चलिए डाल देती हूँ मैं। बाप रे, ये उड़ता होते ना डालेंगे ना फट से उड़ता होते। जो मसाला मैंने डाला अभी अभी ये भुने जाएगा अच्छे से, इसमें मैं अंडे डालूंगी फोड़ के, ठीक है, ढाक देते ढक्कन। मेरा सालन देखिए ऑलमोस्ट तो हो गया है, उनका तेल छोड़ गया है इसमें, देखिए देख सकते हैं तेल छोड़ गया है इसके अंदर। तो मैंने राइस चढ़ा दिया है, अब इसमें आलू को डाल दूँगी ना, आलू अच्छे से मिक्स हो गया, फिर मैं इसमें डालूँगी पानी, आलू जितना चाहिए क्योंकि ये पतला नहीं होता, ये गाढ़ा ही रहता है। 2 मिनट के लिए पानी, चलिए इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। वैसे इसके अंदर आप इमली का पानी भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमको इमली ही डालो या कोकम का पानी आप बना कर डालो खट्टेपन के लिए, जैसे कि गांव में ज़्यादा करके ये सालन को बनाते हैं ना, तो उसमें इमली भी डालते हैं। वैसे तो अखा अंडा बनाते हैं ना, उसमें भी डालते हैं, पर इसमें भी डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मज़े का बनता है, बहुत ही अच्छा। थोड़ा से और कुछ ज़्यादा ही बनते हैं क्योंकि अभी आलू भी गलेगा इसमें, आलू तो हमारे ऑलमोस्ट कच्चे ही, जब आलू गल जाएंगे ना तो हम अंडे फोड़ कर डाल देंगे इसमें। तो अभी इसे देते पकने, थोड़ा एक बॉईल आ जाए तो आलू भी गल जाएगा, ठीक है। आलू थोड़ा मैंने, आलू मेरा गल चुका है, तो अभी मैं ना इस तरह एक एक अंडा निकाल कर, ये मेरा मसाले का ही प्याला है, ऐसे करके मैं एक साइड में डालूँगी, ऐसे करके मैं सब में डाल देती हूँ, ठीक है। तो सारे अंडे मैंने इसमें डाल दिए, देखिए ये छील के सारे मैंने डाल दिए। अभी इसको स्लो पे, मतलब नॉर्मल इस पर गैस पे, ज़्यादा फास्ट नहीं, स्लो पे रख के इसको 7-8 मिनट रखना है, 10 मिनट पकड़ लो स्लो पे, ये पहुँच जाएगा। मेरा खाना तो देखा आपने बना के हो चुका है, मेरा खाना हो गया, मैं खा ली, अभी बच्चे खा रहे हैं, अभी बज रहे हैं 11:15, तो अभी धीरे धीरे काम करके हो जाएगा, इसलिए बाकी गर्म करके मेरा दूध वगैरह मैं गर्म कर लूँ। और आज का ब्लॉग और कल का ब्लॉग आप लोग देख लीजिए कैसा लगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए और आपको मैं अपनी दुआ में बेशक याद रखती हूँ। बोल रहा तो और जो बातें मैंने जब शाम को इस्तेमाल से आगे बताई वो मेरी बातें आपको कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि समय में जो हुई थी बातें मैंने वही की है, अपने तरफ से मैंने कुछ भी नहीं चिपकाया है क्योंकि मुझे मालूम नहीं है तो मैं क्यों चिपका है ना।
तो जो भरत बताते वही बताती हूँ। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने दुआ में मुझे याद रखिए, और मैं आपको अपने दुआ में बेशक याद रखती हूँ, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं बताने का। खाना खाना है, बिस्तर डालना है, अभी सोना है, फिर सुबह इंशाल्लाह उठना है और आपसे मिलना है। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, सबके लिए दुआ कीजिए, मैं भी सबके लिए दुआ करूँगी। चलिए, अल्लाह हाफिज़।